साहब कहाँ है? साहब साहब तो आप साहब मैं पूछ रहा हूँ साहब कहाँ है? देखो पता नहीं तुम सच बोल रहे हो या नहीं। मुझे 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 कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं पूछ रहा हूँ साहब कहाँ है? औरे तुम कौन हो? छोड़ दो मुझे, मुझे मुझे मत मारो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये आवाज तो साहब के कमरे से आ रही है। छोड़ दो मुझे साहब, मुझे मत मारो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। कौन आया था यहाँ पर? किसने किया ये सब? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई तो है कमरे में। कोई तो है इस कमरे में? कमरे में तो कोई नहीं है। मेरे साहब को किसने मारा? हमें सीआईडी को बुलाना होगा। यार ये सब कैसे हो गया यार अतुल? यार सब कुछ खत्म हो गया यार, कैसे रहेंगे भाई साहब के बिना, क्या करेंगे यार? लाश कहाँ है? साहब अंदर। गोली मारी है। तुम जरा कमरे को अच्छी तरीके से चेक करो, तब तक इन लोगों से मिल लेते हैं, क्या कहानी है। आप लोगों में से किसी ने गोली चलने की आवाज सुनी थी क्या? हाँ साहब, मैंने गोली की आवाज सुनी थी। यस सर, गोली की आवाज तो मैंने भी सुनी थी, लेकिन जब हम दोनों आलोक के कमरे में गए थे तब वहां कोई नहीं था। ये गन? दरअसल मैं एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता हूँ, और मिस्टर आलोक ने अपने पर्सनल सिक्योरिटी के लिए मुझे बुलाया था, और उसी सिलसिले में मैं उनसे मिलने आया था। पोस्टमार्टम के बाद पता चल जाएगा कि वो गोली इस गन से चली है या किसी और गन से। लाइए। आप सबको कब पता चला इसके बारे में? सर वो कमला ने हमें बताया था। क्या रिश्ता क्या है आपका आलोक के साथ? सर ये उनके भाई है, और ये अतुल उनके भतीजे, और मैं इनकी वाइफ। और आप, आप क्या लगती हैं इनकी? जी मैं उनकी लॉयर हूँ। आप? He is my uncle, वो मेरे मामा थे, बहुत मानते थे मुझे। मुझे वो सबसे ज्यादा मानते थे। क्या मैं उनका दुश्मन था? मैं उनका फेवरेट भतीजा हूँ। तुम कहना क्या चाहते हो? साहब दूर के रिश्तेदार हैं ये लोग। क्या बकवास कर रहे हैं? आज तक कभी आलोक साहब का हाल चाल तक लेने नहीं आए। असल में आलोक साहब इन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। कमला चुप हो जाओ, यही सही होगा तुम्हारे लिए। इतने ही आप लोग अपने थे तो चुप रहोगे तो ही सही रहेगा। मुझे सब पता है। एक मिनट, एक मिनट, आपको भी कुछ बोलना है? सर दरअसल आलोक ने मुझे अपनी वसीयत में कुछ लीगल चेंजेस करने के लिए बुलाया था। मेरी फोन पे बात भी हुई थी उनसे, लेकिन उनकी वसीयत पूरी ना होने की वजह से हम आगे बात बन नहीं पाई। हेलो मैम, ऐसी कोई बात नहीं थी, अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो हम लोगों को एक बार बताते जरूर। कहीं
तुमने ही तो उनके कान नहीं भर दिए। एग्जैक्टली। और वैसे उन्होंने तुम्हें अपना लॉयर बना भी कैसे लिया? देखकर तो लगता है अभी अभी कॉलेज से निकली हो तुम। कहना क्या चाहती हैं? ये लोग तो आपस में लड़ रहे हैं। तमीज में रह के बात करिए। ये सब के सब गड़बड़ दिख रहे हैं। इन सब की कुंडली निकालनी पड़ेगी। जाओ यहाँ से आप। सर, हर जगह ढूंढ लिया सर, गन कहीं भी नहीं। सर, कब्र में कोई भी खुफिया रास्ता नहीं है जिससे खूनी आसानी से बाहर जा सके। सर, सर ये देखिए। दो गोलियों के निशान। सर इसका मतलब गोली तीन बार चली थी, दो गोली यहां पर लगी और एक आलोक को। पंकज, वो जो मेड है और वो सिक्योरिटी वाला, उनको लेके आओ जरा। आइए। तुम तो कह रहे थे यहां एक गोली चली, इस कमरे में तीन गोलियां चली हैं। सर, ये दोनों गोलियां मैंने ही चलाई थी। जब मैं इस कमरे में आया तो मुझे लगा इस पर्दे के पीछे कोई छिपा हुआ है, इसलिए मैंने गोलियां चलाई। लेकिन सर, इस पर्दे के पीछे कोई नहीं था। यहां लोग के हाथ पे तो कोई निशान है नहीं, फिर खून शायद खूनी का ही होगा। सर मतलब खूनी इस कमरे के अंदर ही था, फिर इन लोगों ने उसे देखा कैसे? नहीं, यहां से बाहर भागने का कोई और रास्ता तो है नहीं। इस पे ये लोहे की जालियां लगी है। सर ये देखिए, आलोक के नाखूनों में मिट्टी घुसी हुई है। ये मिट्टी कहां से आ गई इसकी उंगली में? सर शायद घर के बाहर से। चलो बाहर देखते हैं। जिस तरह से गाड़ी खड़ी है ऐसा लगता है बड़ी हड़बड़ी में यह गाड़ी पार किया यहाँ पे, जैसे कोई इसका पीछा कर रहा था। सर यहाँ पर तो मिट्टी का नामो निशान तक नहीं दिख रहा। लगता है मिट्टी कहीं और से आई है। गाड़ी में जीपीएस सिस्टम भी नहीं है, मैं तो पता चल जाता कि गाड़ी कहां से आई है। टोलनाका की पर्ची, ये करजत टोलनाका की पर्ची है। करजत गया था क्या आलोक? सर भाई साहब का करजत में एक फार्म हाउस है, क्या पता शायद वहां पे गए होंगे। हो सकता है ये आलोक अपने फार्म हाउस पे गया हो करजत, वहां पे खूनी ने उस पर हमला करने की कोशिश की, अपनी जान बचाते बचाते वो यहां तक भाग के आया गाड़ी में और हड़बड़ी में गाड़ी ऐसे पार्क कर दी। फार्म हाउस चलते हैं। आलोक की भांजी स्वाति TYTT टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में काम करती है और उसका भतीजा अतुल, उसका एक बिजनेस है लेकिन ज्यादा कमाई है नहीं। अरे नम्रता कपड़ों का छोटा मोटा बिजनेस करती है और आलोक का भाई संतोष रियल एस्टेट एजेंट है, कैसे किसी तरह से उनका काम चल रहा था बस। रिश्तेदार है तो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं, खाली आलोक के पास ही पैसा था। सर ये यहाँ के केयरटेकर है, यहाँ पीछे ही रहते। आलोक के साथ क्या हुआ था? साहब आलोक साहब बहुत घबराए हुए थे, वो अक्सर आने से पहले मुझे कॉल करके आते, पर इस बार वो बिना बताए अचानक से आ गए थे। साहब आलोक से मिलने कोई आया था क्या? साहब उनके आने के थोड़े देर बाद ही मैं बगल के गाँव चला गया था, वहाँ मेरे रिश्तेदार की शादी थी साहब। जब मैं लौट कर वापस आया तो वो यहाँ नहीं थे। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो क्या कर रहे थे आलोक जी? कुछ नहीं साहब, वो अपने कमरे में चले गए थे और आलोक साहब अपने कमरे में किसी को आने भी नहीं देते साहब। चेक करते, चाबी दो। पंकज रेडी, जरा आसपास चेक करो। Thank you.
ये कैसी आवाज है? ये आवाज तो कब्र से आ रही। तो इस दरवाजे की आवाज थी। इस दरवाजे को छुपाने के लिए कैबिनेट यहां पे रखा था। देखते हैं क्या है अंदर। अगली बारी तुम्हारी। लगता है किसी ने आलोक को धमकी दी थी। सर मतलब जिसने भी ये लिखा है वो आलोक की सीक्रेट जगह के बारे में जान चुका था। जरूरत की सारी चीजें हैं यहाँ पर। ये देखो, लगता है इस आलोक ने इस लॉकर के अंदर कोई जरूरी चीज छुपा के रखी होगी। ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसकी फुटेज चेक करते हैं। दीवार पे लिख कौन रहा है? कोई दिख तो नहीं रहा। मार किसको रहा है यहां पे? बैग लेके भागा साल। क्या हुआ साल? सरिजन, सरिजन क्या हुआ? अरे वो अंदर दरवाजा नहीं खुल रहा है। सर, 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 अरे यार क्या करूं? सर सर पंकज ये खुला क्या? नहीं सर, जल्दी करो। अरे क्या करूं? कोई बाहर का आदमी अंदर चला जाए ये इंतजाम कर रखा था आलोक ने। तो सही समय पर हम लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो आज तो काम खत्म किया। आलोक ने यहाँ से बाहर निकलने से पहले लॉकर से बैग निकाला और साथ लेकर गया। सर आलोक के नाखूनों में जो मिट्टी मिली थी उससे लगता है कि वो बैग उसने कहीं जमीन में दबा दिया होगा। वो बैग टूटना होगा, बाहर चलते हैं। हावड़ा खुदी हुई मिट्टी लगता है इससे ही खोदी गई है।
एक मिनट है, धीरे से आराम से। कौन हो सकती है ये? ये रहा खून करने का हथियार, कैंडल स्टैंड। ये देखो खून भी लगा है। सर ऐसे कैंडल स्टैंड मैंने फार्म हाउस के अंदर देखा। सर यहां से उठाया गया है, शायद उस औरत को यहीं पे मारा भी होगा और यहां मारकर उसे बाहर काट दिया। तुम यहाँ घर की रखवाली करते हो, तुम्हारे नाक के नीचे एक औरत का खून हो गया और तुम्हें कुछ पता नहीं है? हाँ? तुम हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? नहीं सर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ये औरत कौन है, इसे किसने मारा मुझे बिल्कुल नहीं पता। सर बैगेज टैग। अच्छा, अमेरिका से मुंबई। जिस औरत की लाश हमें मिली है कहीं आशा ही तो नहीं? पर कौन हो सकती है? एयरपोर्ट से इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी और वहां टैक्सी स्टैंड में भी पता करवा लेना, कहीं ड्रॉप ऑफ तो नहीं किया किसी ने उसे। सर एयरपोर्ट के टैक्सी स्टैंड से पता चला है कि आशा को इसी एड्रेस पर ड्रॉप किया गया। दरवाजा हम ही खोल देते बाहर से। क्या आशा और खूनी के बीच में यहाँ पे हाथापाई हुई थी और इसके बाद वो यहाँ से बच के भाग गए। ये देखो आशा के साथ कौन है? ये तो वो लॉयर रीमा है। रीमा का आशा के साथ कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, इसको ब्यूरो बुलवाते हैं। सर ये मेरी मॉम की फोटो है, अभी कुछ ही दिन पहले वो अमेरिका से आई थी तो पुणे में अपनी फ्रेंड के घर जाने वाली थी, पर ये सब कैसे हुआ पता नहीं। सर आलोक के बंकर से ये फोटोग्राफ और ये लेटर्स मिले। बंकर तो पूरा जल के खाक हो गया सर, मगर ये चीजें थोड़ी बच गई क्योंकि सेफ में थी। ये तो आलोक और आशा की शादी का फोटो है, मतलब ये दोनों पति पत्नी थे? नहीं सर, बॉम ने मुझे आलोक जी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। ये आपके माँ के पति आलोक, यानी आपके पिता ने अपनी वसीयत बनवाने के लिए आपको बुलवाया था। पूरी जिंदगी अपने फादर को ढूंढती रही, उनकी तलाश करती रही और आज जब पता चला है तो वो भी ऐसे हालात में। पंकज वहाँ घर पे वो बैग नहीं दिखा गया? नहीं सर, बैग वैग कुछ भी नहीं था सर। अभिजीत वो बैग ना घर पर थी ना फार्म हाउस पे, मतलब गायब हुई है घर और फार्म हाउस के बीच में कहीं। बंद करो बंद करो।
मिल गया। हाँ मिल गया। देखो देखो बैग है, बैग जल्दी करो। अरे बहुत भारी है, माल भी तो ज्यादा है। सोना देखो, मैंने कहा था ना तो सारा हो। चलो यहाँ से जल्दी निकलो। कोई ना, ये आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? आलोक सर को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं गुजरा है और आप सब यहाँ चोरी करने आ गए। देखो हम लोगों से क्यों पूछ रहे हो, हैं? तुम भी तो यहाँ उसी के लिए आए हो ना जिसके लिए हम। अच्छा है, समझदार है। जितना माल है ना वो सब बांटने का समय आ गया है, अपना अपना हिस्सा लेते हैं और अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। एक के बाद एक सब मारे जाओगे। भागो, हम सब मारे जाएंगे। भागो ये भागो। सीआईडी? हाँ, तुम्हारा फोन ट्रैक करके हम यहाँ पहुँचे हैं। बैठ कहाँ? वो यही था सर। अरे बैग कहाँ गया सर? यही था बैग। हाँ सर, हाँ सर, मैंने खुद अपने हाथों से रखा था सर। अभी यही था सर बैग। ओहो, तुम भी यहाँ पे हो है? अभी थोड़ी देर पहले तो इन सब की बुराई कर रही थी, इनके साथ खड़ी हो यहाँ पे, क्या चक्कर है साहब? वो हमने कमला को मनाया था, उसने हमें बताया कि आलोक अंकल ने यहाँ कोई बैग छिपा के रखा है, हम बस वही ढूंढने आए थे। हाँ सर, और वो बैग हमें मिल भी गया था, लेकिन पता नहीं वो कोई आया और बैग लेकर चला गया, हम उसे देख भी नहीं पाए सर। हाँ सर, सर उस बैग में सोना था बहुत सारा साहब, लेकिन वो सारा सोना लेके चला गया और हम उसे देख भी नहीं पाए। जो भी कोई है भागने की कोशिश जरूर करेगा, और अगर भाग भी गया हो तो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ेगा। फैल जाते हैं, ढूंढते हैं अच्छी तरह से। तो कोई सूट लग रहा है, खूनी यहाँ फेंक कर शायद भाग गया। बड़ा अजीब मटेरियल है सर, लगता है किसी खास मकसद से बनाया है। ये कंपनी का टैग लगा हुआ है, DYTT टेक्नोलॉजीज। सर ये तो वही कंपनी है जहाँ आलोक की भांजी स्वाति काम करती है। ये लो, DYTT Technologies। क्या खूनी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? आपको कुछ पता है इसके बारे में? सर ये हमारे यहाँ का सीक्रेट प्रोजेक्ट था। सीक्रेट प्रोजेक्ट? सर दरअसल हमारी कंपनी में कुछ दिन पहले आग लग गई थी जिसकी वजह से कुछ लोग मर गए थे। कंपनी उस वक्त एक खास तरह का सीरम बना रही थी जिससे कोई भी व्यक्ति अदृश्य बन सकता है, लेकिन उसका काम पूरा नहीं हुआ था और आग लगने की वजह से जितने भी रिसर्च किट्स थे सारे जल गए थे सर। तो खूनी ने ये केमिकल या सीरम आग लगने के बाद चुरा लिया होगा यहाँ से। आपके यहाँ एक लड़की काम करती है स्वाति, जरा बुलाइए उसे। स्वाति को अंदर भेजिए। जी सर। तुम यहाँ इस कंपनी में काम करती हो ना? जी सर। तो हो सकता है वो अदृश्य होने का सीरम तुमने ही चुराया हो? सर आप लोग ये क्या कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ सर याद आया, वो आलोक अंकल और संतोष अंकल आए थे यहाँ पर इस कंपनी को देखने के लिए। संतोष?
संतोष, इस संतोष को क्या काम पड़ा इस कंपनी में? असल में पता चला किस चीज का बना हुआ है वो सूट? बॉस, वो आदमी अदृश्य है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसे कोई नहीं देख सकता है और वो कहीं भी जा सकता है। कौन है? कौन कौन मारा मुझे? अरे वही हो ना, वही खूनी हो ना तू, कौन मार रहा? मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे एसीपी। सर ये खूनी तो सीआईडी तक पहुंच गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा, वो हमें मार डालेगा। पंकज, जैसे तुम डर गए ना, वैसे ही हर कोई डर गया था। ये खूनी हमें बेवकूफ बना रहा है। और दरअसल यहाँ जो लिखा हुआ है वो खून से नहीं, एक खास किस्म के केमिकल से लिखा हुआ है। हम अगर केमिकल क्यों इस्तेमाल किया लिखने के लिए? अगर इस केमिकल से कुछ भी लिखा जाए तो वो पहले नॉर्मल रूम टेम्परेचर में दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रूम का टेम्परेचर बदलता है, जैसे आप लोगों के आने से इस रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा, ये दिखाई देने लगा। अच्छा, मतलब ये नहीं दिखाई देने वाला इंसान कोई इंसान है ही नहीं, इससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। यस सर। संतोष साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहले मान नहीं रहा था पर अब मान गया। सर मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और वो आलोक तो सर एक चोर था सर। आलोक चोर था? मतलब? सर वो बड़ी बड़ी चोरियां किया करता था और इन चोरियों में मैंने उसका साथ दिया। यहाँ तक कि DYTT टेक्नोलॉजीज में भी हम लोगों ने सर मिलकर एक बहुत बड़ी चोरी की थी। लेकिन सर उसका खून मैंने नहीं किया है सर, मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज। तो आलोक के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी पे हक रीमा का होगा। हाँ अभिजीत, और इसीलिए रीमा की जान को खतरा है। सर आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया है। मैंने सबको कॉल करके बोल दिया है कि आलोक जी की वसीयत सबके सामने पढ़ी जाएगी। बिल्कुल ठीक, सबको मालूम है कि तुम यहाँ पे रुकी हो, वो सब यहाँ जरूर आएंगे। जी सर। और वो भी आएगा जो नहीं चाहता कि वसीयत सबके सामने ना पढ़ी जाए। ये सर कमरे में पहुंच गए? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। विक्रांत आ गया सर। विक्रांत आ गया? तुम यहीं रुकना, मैं देखता हूं। तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो चलो जल्दी। पर मैंने कुछ नहीं किया। पर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर रीमा, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम ठीक हो? क्या किया तुमने रीमा के साथ? सर मेरी बात का विश्वास कीजिए सर, जब मैं कमरे में घुसा तो वो पहले से जमीन पे गिरी हुई थी सर। सर गोली चूके निकली। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। रीमा, किसने गोली चलाई तुम पर? देखा तुमने उसे? किसी ने पीछे से गोली चलाई, देख नहीं पाई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। चुप, हिलना नहीं यहां से, याद रखना। चलो अभिजीत, दया, खूनी यहां तक पहुंच चुका है। हाँ, किसी भी हालत में हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए वो। एक मिनट रुको। तुम लोग तुम यहां क्या कर रहे हो? हैं अतुल, अमृता जी,
आप भी अपने असली रूप में आ जाइए। चलो। ओहो, आप ही यहां पर हैं। चलिए चलिए जल्दी आइए, चलो अंदर, सब लाइन में खड़े हो जाइए यहां पे, जल्दी। अब बताओ रीमा पर गोली किसने चलाई, बताओ जल्दी। विश्वास कीजिए सर, हमने नहीं नहीं मारा सर, सर नहीं चलाई सर, सर विश्वास कीजिए सर, नहीं चलाई सर। तुम सबको मालूम है कि रीमा आलोक की बेटी है और आलोक की जायदाद की कानूनी वारिस। बेटी बेटी सर, ये गन मिली है, इसी गन से गोली चली है सर। अच्छा, कहां से मिली? कमरा नंबर 203, ये अतुल और नम्रता उसी कमरे में रुके हुए थे। अच्छा, रूम नंबर 203, नम्रता और अतुल, मतलब गोली भी तुम दोनों में से किसी ने चलाई, और वो स्मोक बॉम्ब वो भी तुम्ही ने फिट किया था। नहीं सर, सर हम तो पिछले एक घंटे से उस कमरे में नहीं थे। अच्छा सर, हमें जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा, हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस बसिया चुराने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जिसने भी गोली चलाई है ना उसके हाथों पर गन पाउडर के ट्रेसेस मिलते हैं और हमारे पास टेस्ट है जिससे 2 मिनट में पता चल सकता है कि किसने गोली चलाई है। मिनट में ये पाउडर खूनी को कैसे हमारे सामने लाएगा? अरे 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 अरे, कहाँ कहाँ? कमला जी, तो तुम हो? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो वही किया है जो मुझसे कहा गया है, मैं सच बोल रही हूँ साहब। तो फिर बताओ किसके कहने पर तुमने ये सब किया? रीमा जी, आप क्या बकवास कर रही हो सर? ये अपने आपको बचाने के लिए झूठ बोल रही है, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आलोक साहब का खून इसी ने किया है और आशा का भी खून इसने ही किया है साहब, मेरे पास ना इसके सारे सबूत भी हैं। क्या बोल रही हो तुम कमला? अरे तुम बोलोगी नहीं क्या? प्लान बनाया तुमने और फंस रही हूँ मैं। अभी ये पाउडर सोडा लगा के सीआईडी वाले मुझे पकड़ लेंगे, अंदर कर देंगे, क्योंकि इस रीमा पर गोली तो मैंने ही चलाई है ना। बेवकूफ, कुछ नहीं होने वाला था इस पाउडर से। ठीक है रीमा जी, आपने इस पाउडर से कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि ये एक मामूली सा मेकअप पाउडर है। उसने तो मुंह खोल दिया, अब तुम्हारी बारी। सर, मैं आलोक की बेटी नहीं हूं। मुझे जैसे ही पता चला कि आलोक अपनी बेटी की तलाश कर रहा है और उसके पास बहुत पैसा और प्रॉपर्टी है, मैं जैसे तैसे करके उसकी बेटी को ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। और फिर तुमने रीमा की जगह ले ली और फिर तुमने आलोक को गुमराह किया, उसकी सारी जायदाद उसकी बेटी के नाम करवाने का प्लान बनाया। उसकी बेटी यानी तुम? रीमा की माँ आशा अमेरिका से आ चुकी थी और ये बात तुम्हें पता थी कि आशा तुम्हें पहचान लेगी, तो इसने आशा को भी अपने रास्ते से हटा दिया। तुमने आलोक को कैसे मारा? सर,
मैंने उसके कमरे में एक बॉक्स में एक गन रखी थी। उस गन को मैंने एक रिमोट से जोड़ दिया था और जब आलोक अपने कमरे में गया तो मैं बाहर गाड़ी में थी। मैंने गन के साथ में एक कैमरा भी फिट किया था जिससे मुझे आलोक की एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता। जैसे ही आलोक पोजीशन पे आया मैंने वैसे ही बटन दबा दिया। मैंने उस बॉक्स में एक प्लेयर भी रखा था। उस प्लेयर में आलोक की आवाज आ रही थी और आप लोगों के आने से पहले कमला ने वो बॉक्स वहां से हटा दिया था और वो अदृश्य खूनी का खेल भी मैंने ही खेला था। मैंने बंकर और टूल शेड की दीवारों पर एक केमिकल से वो सब धमकियां लिखी थी। प्लान अच्छा बनाया था पर क्या फायदा, पकड़ी गई। रीमा, पैसों की लालच में तुमने एक माँ बेटी और पिता का खून कर दिया। तुम्हें कानून कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी होगी तुम्हें फांसी।